हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के जो बहुत ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानी कि 1 वीक की प्रेगनेंसी में भी जो सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। कि डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन में जब भी आपकी प्रेगनेंसी को रेफर किया जाता है और कहा जाता है कि 1 वीक की प्रेगनेंसी है, तो वो एक्चुअली में जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसका, वो आपका एलएमपी होता है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आपका आया था उसका जो फर्स्ट डे होता है, वहां से प्रेगनेंसी आपकी काउंट करी जाती है। और टोटल प्रेगनेंसी के जो 40 वीक्स होते हैं, वो उसका फर्स्ट डे वही होता है, आपके पीरियड का जो पहला दिन होता है, जो लास्ट आपका आया था। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक फिक्स्ड पॉइंट मिल सके कि जहां से प्रेगनेंसी की डेटिंग करी जा सके और आपकी ईडीडी कैलकुलेट की जा सके, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जा सके। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, पहले ही उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे जब मैं 1 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कह रही हूँ, तो मेरा मतलब है, और ज्यादातर लोग जो पूछते हैं आप लोगों में से, 1 वीक की प्रेगनेंसी जब वो बोलते हैं, तो उनका मतलब होता है कि उनके एक्चुअली प्रेग्नेंट होने के 1 हफ्ते के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं। तो एक्चुअली प्रेग्नेंट होना यानी कि जब एम्ब्रियो जो है वो आपके यूटरस में इम्प्लांट हो जाता है, उस दिन से आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन वहां से प्रेगनेंसी को स्टार्ट हुआ नहीं समझा जाता है। क्योंकि कई केसेस में, और वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो कई बार उसका लॉस भी हो जाता है, यानी कि एक्चुअल प्रेगनेंसी में वो कन्वर्ट होता भी नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती है, तब क्या होता है कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है आपका, वो आपका फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ आपके यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में जाके वो जब चिपकता है यूट्राइन वॉल से, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। और जब वो इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद से आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जब अभी इस वीडियो में प्रेगनेंसी रेफर कर रही हूं, तो उसी एक्चुअल आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के 1 वीक के बाद जनरली क्या सिम्टम्स आते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम पे थोड़े ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं और उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, और कुछ महिलाएं उसको नोटिस कर सकती हैं, एक हल्की स्पॉटिंग की तरह या पिंकिश डिस्चार्ज वेजाइना में से हो सकता है उस टाइम पे। तो ये चीज पॉसिबल है जरूर, लेकिन एक चीज का ध्यान इसमें रखना है कि हर किसी को, इनफैक्ट ज्यादातर लेडीज को ये जो सिम्टम है ये वो ऑब्जर्व नहीं करती है। इसलिए आजकल इंटरनेट में और यूट्यूब में ये चीज बहुत फेमस हो गई है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसको कहा जाता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो सब लोग सोचने लगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो सबको होती होगी, लेकिन होती नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम कोई रेयरली नोटिस कर सकता है कि उसको इम्प्लांटेशन के टाइम पे थोड़ी ब्लीडिंग, थोड़ी सी क्रैम्पिंग यूट्रस में महसूस हो सकती है, सबको नहीं होती है। तो ये इतना कोई रिलायबल सिम्टम नहीं होता है प्रेगनेंसी का। सबसे रिलायबल सिम्टम जो प्रेगनेंसी का होता है, अर्ली सिम्टम, वो ये है कि आपका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिलायबल सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि मोस्ट अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कोई ऐसे नहीं होते हैं कि जो प्रेगनेंसी के लिए एकदम यूनिक हो, किसी और कंडीशन में भी वो सिम्टम हो सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जरूर होते हैं, और वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है, आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए और ये सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, तो डेफिनेटली वो इंडिकेट तो करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई होगी, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा ही होता है। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मेरे वीडियोज हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं जो अर्लीस्ट सिम्टम्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का कि आपको सिकनेस फील होने लग जाती है जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं। उसके बाद आपका जी मिचलाने लग जाता है, खाना पकता है तो उसकी स्मेल जो है बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती है, और वॉमिटिंग का मन करता है, किसी किसी को वॉमिटिंग भी होती है। तो इस तरीके से नौजिया और वॉमिटिंग कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। इसके अलावा फटीग एक बहुत कॉमन है सिम्टम अर्ली प्रेगनेंसी का, यानी कि थकान रहती है। फटीग का मतलब होता है थकान, तो थकान रहने आपको लग जाती है। ये सब जो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से होता है।
ब्रेस्ट में आपको अपने कुछ चेंजेस महसूस होने लग जाते हैं, आपको ब्रेस्ट्स में भारीपन महसूस होता है, टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस मतलब होता है अगर किसी एरिया को छूने पे वहां पे दर्द होता है तो उसको टेंडरनेस बोलते हैं, तो ये सिम्टम भी आपके ब्रेस्ट्स में नोटिसेबल होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो निप्पल्स के सराउंडिंग एरियोला वाला पोर्शन होता है उसमें पिगमेंटेशन ज्यादा होने लग जाता है, उसका कलर जो है वो डार्क होने लग जाता है। कई महिलाओं में यूरिनेशन, फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करने की अर्जिंग होती है, कई बार साथ में ब्लोटिंग हो सकती है या गैस की और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई बार फूड क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, या जो चीज़ें पहले नहीं पसंद थी कई बार उनकी क्रेविंग होने लग जाती है, या किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये तुरंत खाने को मिल जाए, या फिर कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स के लिए बिल्कुल ही एवर्जन हो जाता है, बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं होते। कुछ महिलाओं को मुंह में थोड़ा मेटालिक सा टेस्ट महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में भी अपियर हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि प्रेगनेंसी कंफर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ही हो सकती है। तो कुछ महिलाओं में हो सकता है कि ये सिम्टम्स हो लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना हो, और कुछ महिलाओं में हो सकता है कि ये सिम्टम्स ना हो फिर भी प्रेगनेंसी हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कंफर्मेशन सिर्फ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट से होगा, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का वो आपका मिस्ड पीरियड होता है, यानी कि आपका पीरियड जिस डेट पे आने वाला था उस पे नहीं आता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो अगर आप इस तरीके से चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।